ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक 22 विधायकों ने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सभी विधायकों ने कहा है कि वचन पत्र के वादों को नहीं निभाया गया, इसलिए इस्तीफे दिए जा रहे और दिए गए थे। और ज्योतिरादित्य समर्थकों विधायकों का दावा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हमें 5 मिनट भी धैर्य से नहीं सुना। हम किसको अपनी समस्या बताएं, हमारे विधानसभा क्षेत्र में 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ है। ज्योतिरादित्य समर्थक विधायकों ने दावा किया है कि सारे काम छिंदवाड़ा में हुए हैं, 1 रुपए का काम हमारे विधानसभा क्षेत्र में मंजूर नहीं हुआ, इसलिए हम सब ने विधायक पद से इस्तीफा दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक सभी विधायकों का दावा है कि हमारे बारे में झूठी बातें कांग्रेस दावा कर रही है कि हमें बीजेपी ने बंधक बना लिया है। हम फिर कहते हैं कि हमें किसी ने बंधक नहीं बनाया है। विधायकों का दावा है कि हमारे साथ अभी 20 और विधायक आएंगे, क्योंकि जो कांग्रेस सरकार के साथ विधायक हैं वो भी हमारे साथ आएंगे। हमारे नेता हैं और 2000 हम 20 साल से उनके साथ राजनीति कर रहे और उन्होंने हमें राजनीति करना सिखाया है। मैं एक गरीब की बेटी हूँ, गरीब की बहू हूँ, जो आज हूँ श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया के वजह से हूँ। और मैं वास्तव में अगर ज्योतिराज सिंधिया कहने सुबह में पूछ जाओ तो पूछने को तैयार है। मत तो इस बात का संशय क्यों है कि हम भाजपा ज्वाइन करेंगे? क्या करेंगे हम सब बैठे मध्य प्रदेश में, केंद्र की पुलिस मिले, हम मध्य प्रदेश जाए और वहाँ बैठकर अपना विचार करें। ये कहने में मुझे कतई संकोच नहीं है। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। हमारे मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के न मुख्यमंत्री बनके सिर्फ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बनके रह गए। इसलिए हमारे विधायकों में असंतोष का जो व्याप्त है, आज हम यहाँ आए हैं, अपने मर्जी से आए हैं, हमें कोई नहीं लाया गया। जब हमारी बात सुनाई नहीं हो रहा है और खासकर मैं आदिवासी लीडर और मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष, मेरा संगठन प्रत्येक जिला में है, एक भी आदिवासियों को पट्टा नहीं मिला। इन्होंने कहा अगर आदिवासी भाई अपने लड़की का शादी करेंगे तो 51,000 रुपया देंगे। मैं 3-4 प्रोग्राम में शादी कराया 500-500 लोगों का, आज तक उनको 51,000 रुपया नहीं मिला। सब राहुल गांधी ने कहा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, इन लोगों ने तुम्हारा नाम काटा जितने ये लोग थे, तो जब राहुल गांधी जान रहा है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ तो हम भी जानते कि हमारे साथ अन्याय हुआ, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया और पार्टी में। अगर कोरोना का डर है तो वल्लभ भवन जो हमारे यहाँ का मंत्रालय है वहां भी छुट्टी कर दो, सब जा रहे हैं वहां पर वल्लभ भवन में काम को, उनको कोरोना नहीं लगता क्या? कोरोना वही अगली खबर, जहां जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, जरा ये सुनिए। दिक्कत क्या है भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने में? मेरा सवाल है उल्टा, भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने में क्या दिक्कत अगर वहां हो सकती हो? यही तो बंधक है, यही तो डर है। जहां पूरी गुंडे लगे हुए हैं बीजेपी के, जहां पे पूरी बीजेपी की सरकार लगी हुई है येदियुरप्पा की, तो वहां बंदूक गोले पीछे लगा रखे हैं तो कहां से करेंगे? हिप्नोटाइज कर रखा है, हिप्नोटाइज कर, यहां आएंगे तो हिप्नोटिज्म खत्म हो जाएगा, तन मन खत्म हो जाएगा, यहां जो बोलेंगे वो सही बात होगी। मध्य प्रदेश में फ्लो टेस्ट को लेकर तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन निर्देशों का पालन नहीं होने से राज्यपाल नाराज हुए हैं और इसके बाद राज्यपाल ने एक बार फिर से सीएम कमलनाथ को चिट्ठी लिखी है, जिसमें मंगलवार को ही फ्लो टेस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले भी विधानसभा सत्र से पहले राज्यपाल ने सीएम को पत्र लिखकर फ्लो टेस्ट कराने की बात कही थी, जिसके जवाब में सीएम कमलनाथ ने भी पत्र लिखकर फ्लो टेस्ट कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों का जिक्र किया था।